हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं टिकमन सुरेश चैनल। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा सुप्रो मैक्सी पपी ट्रक के बारे में, जिसका इंतजार आपको बहुत दिनों से था। इस वीडियो में आप लोग को इस गाड़ी की डिटेल, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, फ्यूल कैपेसिटी और कुछ हाईलाइट्स पॉइंट के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि आपको गाड़ी के बारे में और कुछ जानना है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा सुप्रो मैक्सी पपी ट्रक का वेरिएंट्स के बारे में। कार्गो बॉडी के हिसाब से ये अभी 3 मॉडल्स में अवेलेबल है, फ्लैट बेड मॉडल, CNG मॉडल और इसका हाईडेक मॉडल। इसका फ्लैट बेड मॉडल आपको LX, VX और ZX वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है। LX में आपको मिलता है मैनुअल स्टीयरिंग, VX में आपको मिलता है पावर स्टीयरिंग, जबकि ZX में आपको मिलता है पावर स्टीयरिंग के साथ एयर कंडीशनिंग। लुक्स और डिजाइन की बात करें तो सेंटर में आपको देखने को मिलता है महिंद्रा का सिग्नेचर ग्रिल विद महिंद्रा का बड़ा सा लोगो, राइट साइड में आपको महिंद्रा का बैजिंग और लेफ्ट साइड में सुप्रो पपी ट्रक का क्रोम फिनिश में बैजिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लाइट्स में इसमें दिया गया है बड़ा सा हैलोजन बल्ब टाइप हेडलैम्प, उसके साइड में मल्टीफंक्शनल टर्न इंडिकेटर और नीचे यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पर फ्रंट में आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिलता है। इस गाड़ी का और एक हाईलाइट पॉइंट है इसका फ्रंट नोज इसमें आपको थोड़ा बड़ा मिलता है, जो कि एक्सीडेंट टाइम में ड्राइवर को ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और ग्राफिक्स में दोस्तों आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड डोर में आपको मैक्सी का स्टाइलिश ग्राफिक्स भी दिया गया है। टायर्स की दोस्तों बात करें तो इसमें आपको मिलता है 14 इंच का टायर, आप देख सकते हैं यहाँ पर टायर साइज भी मेंशन किया गया है। इसमें आपको मिलता है 14 इंच का टायर 8-ply रेटिंग के साथ। सस्पेंशन में इसमें सामने आपको मिलता है 8-ly स्प्रिंग, जबकि पीछे आपको मिलता है 6-ly स्प्रिंग। गाड़ी के राइट साइड में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक साइड का बैटरी। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें इसमें फ्रंट में दिया गया है डिस्क ब्रेक, जबकि पीछे दिया गया है ड्रम ब्रेक्स। बात करते हैं गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में, जो कि है इसका इंजन। इसमें लगा गया है 2-सिलेंडर वाला डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज्ड PA6 डीजल इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 909 cc, जो कि मैक्सिमम 47 HP का पावर जनरेट करता है 3750 RPM तक। और इसमें आपको मिलता है 100 Nm का टॉर्क, जो कि 1600 से लेकर 3000 RPM तक प्रोड्यूस करता है। अगला पॉइंट है माइलेज। बढ़ते डीजल के दाम के हिसाब से माइलेज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। कंपनी अभी इसका माइलेज क्लेम करता है 21.94 km/L। सिटी में इसका माइलेज रहेगा 18 से 19 km/L, जबकि हाईवे पर इसका माइलेज रहेगा 20 से 21 km/L। बात करते हैं वारंटी के बारे में। कंपनी की तरफ से अभी आपको इसमें मिलता है 3 ईयर्स का वारंटी 80,000 km तक। इस गाड़ी का इंजन बहुत ही दमदार है, इस वजह से आप इसे हिल साइड रस्तों पर भी कम्फर्टेबली चला सकते हैं। इसका सस्पेंशन भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है और BS6 इंजन होने के कारण अभी आपको इसमें देखने को मिलता है डीजल एक्स्ट्रा फ्लूइड टैंक, जिसे आप DF टैंक कहते हैं या फिर यूरिया टैंक कहते हैं। और पीछे का टायर के साइड में आपको देखने को मिलता है इसका डीजल टैंक, जिसका कैपेसिटी है 33 लीटर्स। बात करते हैं दोस्तों इसका रियर व्यू के बारे में। इसका रियर सेगमेंट में कंपनी ने थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है महिंद्रा का एक बड़ा सा ब्रांडिंग, उसके साथ LX का क्रोम फिनिश में बैजिंग। यह दोस्तों इसका रियर लाइट्स और उसके साथ दोनों साइड में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस दिया गया है, उसके ऊपर कंपनी ने लाइट्स भी फिट किया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका स्पेयर टायर। बात करते हैं गाड़ी के टेक्निकल फीचर्स के बारे में। इसका व्हील बेस है 2050 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 196 mm और इसका मिनिमम टर्निंग रेडियस है 5.25 m। बात करते हैं गाड़ी का लोडिंग कैपेसिटी के बारे में। इस गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट है 2185 kg, कोर वेट है 1135 kg और गाड़ी का पेलोड कैपेसिटी है 1050 kg, या फिर समझ सकते हैं 1.05 टन। बात करते हैं दोस्तों गाड़ी का कार्गो बॉडी डायमेंशन के बारे में। इस गाड़ी का कार्गो बॉक्स का लंबाई है 8 ft 2 in, चौड़ाई है 5 ft और ऊंचाई है 1 ft। गाड़ी का यदि हम ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो इस गाड़ी का ओवरऑल लंबाई है 13 ft 6 in, चौड़ाई है 5 ft और ऊंचाई है 6 ft 3 in। गाड़ी का एक्सटीरियर को तो हमने बारीकी से देख लिया, चलिए हम देखते हैं इसका इंटीरियर। तो डोर ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसका डोर, जो कि 90° में ओपन होता है और ये गाड़ी को ज़्यादा स्पेशियस भी बना देता है। इसमें आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलता है इसका ड्राइवर साइड डोर्स और कोपाइलर साइड डोर, और इसका सीट भी दोस्तों आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलेगा। इसमें आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है, मगर इसका सीट बहुत ही अच्छा है। सीट का क्वालिटी भी दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। सीट को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सीट का कलर में कंपनी ने डुअल टोन कलर यूज़ किया है, जो कि देखने में भी थोड़ा आई कैची लगता है। और इसका जो को पायलट साइड सीट है
कंपनी ने थोड़ा इसे वाइड बनाया है। यदि आप दोस्तों देख सकते हैं, इसका सीट आपको थोड़ा वाइडर दिखने को मिलता है। इसमें ड्राइवर के साथ वन पर्सन इजीली राइड कर सकते हैं। गाड़ी में सही वेंटिलेशन रहने के लिए पीछे आपको मिलता है स्लाइडिंग विंडोज, और इसका जो हेडरूम है वो भी दोस्तों आपको इसमें काफ़ी बेहतर मिलता है। हेडरूम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है इस गाड़ी में। उसके साथ इसमें आपको सिर्फ ड्राइवर साइड में दिया गया है इसका सन वाइजर। यदि आपको थोड़ा कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका लेगरूम दोस्तों काफ़ी बेहतर मिलता है। उसके साथ यदि आपको एसी चाहिए तो मैक्सी ट्रक में एसी भी अवेलेबल है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है इसका की होल, और यहाँ पर आपको इसका लाइटिंग कंट्रोल देखने को मिलता है। उसके साइड में आपको एक फॉल स्विच दिया गया है, और यह दोस्तों इसका स्टेयरिंग व्हील के बीच में महिंद्रा का लोगो आपको देखने को मिलता है। डिलक्स वेरिएंट में आपको मिलता है मैनुअल स्टेयरिंग, पर आप इसका स्टेयरिंग व्हील का पोजीशनिंग को देख सकते हैं। इसका लेगरूम भी दोस्तों काफ़ी आपको अच्छा मिलता है, और यह दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको पार्टली एनालॉग विथ डिजिटल कॉम्बिनेशन सा देखने को मिलता है। सेंटर में आपको रेड कलर में महिंद्रा का लोगो देखने को मिलता है। सेंटर में दिया गया है स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है फ्यूल गज, जबकि राइट साइड में इसका टेम्परेचर मीटर आपको देखने को मिलता है। उसके साथ इसमें आपको टू मोड्स ऑप्शन भी दिया गया है। यह दोस्तों इसका BS6 मीटर जो कि आपको सेंटर डैशबोर्ड में देखने को मिलता है। यह दोस्तों इसका 4x स्विच, उसके नीचे आपको स्पेस मिलता है म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए। उसके नीचे आपको देखने को मिलता है 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट। उसके लेफ्ट साइड में आपको कुछ फॉल स्विच दिया गया है, आप चाहे तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपको स्पेस दिया गया है मोबाइल रखने के लिए। यदि आप बोतल होल्डर चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको मिलता है एक बड़ा सा बोतल होल्डर, उसके साथ एक छोटा सा बोतल होल्डर। और कंपनी ने इसका गियर बॉक्स को ऐसे फिट किया है कि इसमें लेगरूम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका दोस्तों ट्रांसमिशन है 5 स्पीड, आपको इसमें मिलता है 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर। इस गाड़ी का टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और आप इसका कोपायलट से लेगरूम को देख सकते हैं। इसका लेगरूम बहुत ही स्पेशियस है। जरूरी सामान रखने के लिए इसमें दिया गया है लॉकेबल ग्लोव बॉक्स, उसके ऊपर भी आपको स्पेस मिलता है कुछ सामान रखने के लिए। इसमें आपको छोटे मोटे सामान भी इजीली रख सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर कुछ छोटे मोटे चीज़ें आप रख सकते हैं। यह दोस्तों इसका कोपायलट साइड सीट, ये भी आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल, और यहाँ पर सेंटर में हमें देखने को मिलता है इसका रीडिंग लाइट्स, क्योंकि रात में काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके नीचे हमें देखने को मिलता है इसका सेंटर मिरर। उसके साथ सिर्फ इसमें ड्राइवर साइड में दिया गया है इसका सन वाइजर, जिसमें गाड़ी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हमने गाड़ी को कुछ टाइम चला के भी देखा था, गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों। गाड़ी चलाने भी बहुत ही कंफर्टेबल आपको लगेगा। उसके साथ इसका जो फ्रंट विजन व्यू है वो भी दोस्तों आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। अगला पॉइंट आता है इसका प्राइसिंग। दोस्तों वेरिएंट हिसाब से और मॉडल के हिसाब से मैंने स्क्रीन पर इसका प्राइसिंग को मेंशन किया है, जो कि एक शोरूम पुणे का प्राइस है। आप जिस मॉडल का प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो फिर आप स्क्रीन पर भी देख के जान सकते हैं। दोस्तों इसका प्राइसिंग स्टेट बाय स्टेट चेंज होता है। ये था दोस्तों महिंद्रा सुप्रो मैक्सी प्रॉफिट ट्रक का डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।